साथियों बताया जाता है कि जब उधम सिंह छोटी सी उम्र में होता है और छोटी सी उम्र में जलियांवाला बाग के अंदर उधम सिंह के पिता डायर के हाथों मारे जाते हैं और उधम सिंह के पिता के साथ जो कि हजारों लोग निर्दोष जलियांवाला बाग के अंदर मारे गए, भली भांति आप सभी इतिहास में जानते हैं पढ़ते हैं, क्योंकि लोग आज वो पर्यटक स्थल बना हुआ है। जो लोग अमृतसर गोल्डन टेंपल के लिए जाते हैं वह जरूर जलियांवाला बाग के दर्शन करके आते होंगे, उन दीवारों पर गोलियों के निशानों को देख करके आते होंगे, वह समर शहीद कुआं को देख करके आते होंगे। सजनों जब डायर के हाथों उधम सिंह के पिता मारे जाते हैं, उधम सिंह की माँ जब दाह संस्कार के लिए अपने बेटे को लेकर के शमशान भूमि में पहुंचती है, दाह संस्कार करती है, तो उधम सिंह की मस्तक से जमीन से मातृभूमि की मिट्टी लेकर के तिलक लगा देती है कि हे माँ, मेरे पति तो तेरे में समर्पित हो गए, लेकिन आने वाले समय में जब मेरा बेटा लायक हो जाएगा तो तेरी रक्षा के लिए मैं अपने बेटे को भी छोड़ूंगा। सकोल में एडमिशन करा देती है अपने बेटे उधम सिंह का। उधम सिंह बड़े चंचल मन का था, बड़ा शैतान था, बच्चों के साथ पढ़िया लिखा करता और थोड़ी सी शैतानी कराया करता, सारे बच्चों पर रोग जमाया करता। सजनों इतिहासों को, क्रांतिकारी इतिहासों को पढ़ा करता, उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, उसे मतलब था कि कौन देश के लिए क्या करके गया, क्या बलिदान दे करके गया। एक दिन कुछ बच्चों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो मास्टर से शिकायत करते हैं कि गुरु जी ये उधम सिंह हमें बहुत ज्यादा तंग करता है। मास्टर ने उधम सिंह को बुलाया, कान पकड़ के, अरे उधम कि जी गुरु जी, तो सारे स्कूल में हुड़दंग मचाता है, बच्चों को तंग करता है, तेरी ये आदत अच्छी नहीं है। अगर तू इतना ही बलधारी है, अगर तू इतना ही बलकारी है, बलधारी है, ताकतवर है, तो एक काम क्यों ना कर ले कि कौन सा सजनों, वो मास्टर उधम सिंह के हिस्से में आजादी का जनून पैदा करता है और कुछ बातें उधम सिंह को बताता है बीती हुई। आइए सुनेंगे इस रागनी के द्वारा कि वो मास्टर उधम सिंह से क्या कहता है और क्या सुनते हैं। आइए इस रागनी के द्वारा तो सुनिए बात हमारी, ओ रे जे तू इतना ही बलधारी, तालियां चाहूंगा, क्या कहता हूं मास्टर, वो ने तेरे पिता मार दिए चलिया वाले बाग में, सुनिए बात हमारी जो तू इतना ही बलधारी, सुनिए बात हमारी जो तू इतना ही बलधारी, लग जा बाग में, वो ने तेरे पिता मार दिए चलिया वाले बाग में, सुनिए बात हमारी,
शमी अगर वीर तू भारत है रनामी हो जा हिंद शिखर में उद्यम लग जा इसी फिक्र में तू नामी हो जा हिंद शिखर में उद्यम लग जा इसी फिक्र में और पैराग में और तेरे पिता मार दिए कलिया वाले आग में उद्यम सुन ये बात हमारी साथियों को उस देश दीवाने वीर उधम सिंह की बड़ी सुंदर सी रागनी पर मेरे परम मित्र बड़े भाई कैप्टन नरेश दहिया जी, जी हाँ बड़े भाई कैप्टन नरेश दहिया जी ग्राम रैनागिर से यहाँ पहुंचे हैं 500 रुपए से उधम सिंह की रागनी का सम्मान करते हैं भाई के लिए एक बार जोरदार ताली आइए अगली गली में किस है क्या बताया बता दिया कि तू इतने बलकारी है तो तेरे पिता को जलिया वाले बाग में डायर ने जो कि शूट कर दिया मौत के घाट उतार दिया तो बदला लेना चाहता है तो अपने बाप का बदला क्यों ना ले बच्चों से क्यों शैतानी करता है और हमारा देश आज नए प्रतिदिन इन अंग्रेजों की गुलामी भोग रहा है रोजाना इन अंग्रेजों के दबाव में ये हिंदुस्तान जी रहा है दूसरी कली में क्या कहता है और क्या बता सुना क्यों सारा जो तो दायर था हत्यारा रहता है सुना जो सारा वो तो दायर था हत्यारा ऐसी आग में पिता मार दिए चलिया वाले आग में सुनिए बात हमारी से 100 रुपए इस देशभक्ति रागनी पर देने में बार बार धन्यवाद करूंगा क्योंकि उनसे भी देशभक्ति रागनी को सुनकर के रहा नहीं गया आदरणीय भाई भूप सिंह जी जो रामनगर बानसुर से देशभक्ति रागनी पर खुश होकर के इनके दिल से भी नहीं रहा गया 100 रुपए से पार्टी का मान और सम्मान किया मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सज्जनों कहने लगे वो अध्यापक कि यमन बिक रहा है चमन बिक रहा है उधम कि यमन बिक रहा है चमन बिक रहा है शहीदों के सिर का कफन बिक रहा है बुरा ना माने तो उधम खुले शब्दों में कह दूं कि कुछ गद्दारों के हाथों मेरा ये वतन बिक रहा है कुछ गद्दारों के हाथों ये वतन बिक रहा है साथियों तीसरी कली में क्या जुनून भरता है उसके दिल में और क्या कहानी बताता है आइए सुनेंगे भारत की परेशान
की डोर था मैं हाथा में रह के रखा उठ पाता मैं सब की डोर था मैं हाथा में रह के रखा उठ पाता मैं अपियसे दारो मैं ओए मेरे पिता मार दिए चलिया यारे बाग में रूदम है सुनिए बात हमारी चाहिए। आज ये भारत की जनता आजादी की तलाश में, आज ये भारत की जनता अंग्रेजों के उत्पातों से बहुत तंग आ चुकी है। उदाहरण उत्पात करना है तो जनरल डायर के साथ कर, तेरा नाम होगा, तेरा नाम शिखर में जाएगा। उधम कहने लगा कि गुरुजी मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे पिता इस तरह से मारे गए, कि तुझे विश्वास नहीं होता कि हाँ अगर तुझे विश्वास नहीं होता तो शाम तुझे दो जगह ऐसी बताऊंगा, एक जगह तो जाकर देख लेना और एक जगह अपने सर पर हाथ रखवा कर अपनी कसम खवा करके पूछ लेना, तुझे सच्चाई तेरे सामने आ जाएगी। आइए आखिरी चौथी कली में वो क्या कहते हैं, क्या बता दूंगा लगभग सैकड़ों लोग यहाँ से भी गए होंगे जलियांवाले बाग का नजारा लेने के लिए। सजनों दीवारों पर आज भी गोलियों के निशान बने हुए हैं जो बड़े सुरक्षित रख रखे हैं। और अध्यापक जी बताते अगर तुझे विश्वास नहीं है तो जलियांवाले बाग में जा और दीवारों पर देखना मोटे मोटे गोलियों के छेद होंगे जब तेरे पिता के सीने में पार होकर के वो गोलियां दीवारों में जाकर के टकराई। और बता दिया ऋषिपाल समझिए रे भारत आजाद करिए रे गाके ऋषिपाल समझिए रे भारत आजाद करिए तू अपने